क्यों बढ़ गया बाग में तू बिन पूछे, वो क्यों बढ़ गया तेरे बाग में। अच्छा मेरे आने ते अच्छा फर्क के पड़ गया नगरी में मुझे ये पता चला है कि मेरी मौसी मौसी मेरी मौसी आड़े ब्याह राखी। अच्छा। मेरी मौसी आड़े ब्याह राखी मेरा प्रेम लिखड़ गया क्यों बढ़ गया बाग में तू कि कित कित रिश्तेदारी है। पता चला कि बहुत दूर इसकी बहन ब्याह रखी है और उसका कोई छोरा है इसकी बहन का जिसका नाम है बोलू। अब उसने ज्ञान गुदड़ी तो सारी बात पता कर ली न्यू और पता कर लिया अब इस मालन का के नाम है के कहानी बनी क्यों कर गोदू गोदू नाम है। हाँ। कड़े का से
किसी का मेरी माँ ने बता रखी कोई नथिया नुथिया नाम है माँ ने बता के भेजा था मेरा नाम है गोदू नथिया हाँ अरे यो तो मेरा नाम है मेरा तेरा नाम है और तू है फिर मेरी मौसी अरे मौसी राम राम अरे मैं तन्ने पहचान नहीं पाई तू तो मुझे पहचान लेता जब मैं तुझे छोड़ के आई थी तू इतना सा तो इतना सा बालक इतने से बालक को कुछ याद रहती होगी अच्छा? तू तो बड़ी लोग थी तू पहचानती मैंने अच्छा सोते कि मेरे कर दिए कार्रवाई बैठा अरे बेटा गलती होगी अरे फिर तो इतना मूछें भी आ गई तेरी थोड़ी थोड़ी डाडी भी आ गई बकरे की डाड़ तेरे तो नाक के बाल भी दिख रहे अच्छा कोई नहीं कटवा लूंगा अच्छा अरे अरे आजा आजा देख बेटा बैठ अरे मैं देख मुझे माफ कर दे देख मुझे पता नहीं थी अच्छा कोड़े मार दिए ज्यादा तेज तो ना लगी थोड़ी सी तेज लगी मेरे रात में तेल लगा दिए अच्छा हाँ। चल कोई नहीं तेरा तेल लगा दूंगी हाँ। और बता घर में सब कैसे है घर में सब ठीक मम्मी भी ठीक और पापा तो तन बेराए था वो पेट पे तपड़ कमर गया था और सारा सिस्टम ठीक है अच्छा वो मौसा की तो है मेरा मौसा बाहर गया है कुछ काम से अच्छा हाँ आने वाला ही होगा मौसी वैसे पीठ का ठीक नहीं करा मेरे बैठा हूँ जब भी तकलीफ हुई है चल कोई बात नहीं बेटा मैं तेरी शिकायत कर दूंगी अच्छा हाँ अपनी बात कह दे सुन ले मेरी बात इसने इबे घर ते तू मेरा पारा चढ़ गया तू बढ़ गया पार में तू मेरे मुखे क्यों बढ़ गया यो नू कहे तू भी लिकट जा और मैं भी लिकट जाऊं हां आपा दो हां अरे यहां से एक लोई नहीं ना काट दे आपा नथिया जिस मानस के घर में बढ़ते तेरे मेरे में ढूंढ बाज गया इस मानस ने ये रिश्तेदार नहीं हो सकते तो अरे पाला के टापर देख तो प्यार करके देख अरे टापर कोन्या मौसा में टापर ही कोन्या
अभी भी ये टावर को नहीं, तो जियो का टावर है। सुन नतिया, रिश्तेदारी इतनी हो गई, इसने काट दे। अरे तो दो चार दिन तो रुक जान दे कम से कम। ओ मसा, मैं टावर ही छु, मैं भी लगता हूं तो छु। एक काम कर बेटा, ठीक है, एक मिनट मास्टर जी कुकू ना करे, और लड़ाई बाज रही है। बेटा कै दिन डटेगा? देखो 10-12 दिन की तो मैं सोच का आया था, बाकी तुम डांट लो तो थारी श्रद्धा है। कोई बात नहीं बेटा, रुक जा। दिक्कत एक है। हाँ। मैं अभी अभी नथिया बाजार में आया हूँ। हाँ। और बाजार में रोड़ा माच रहा है कि कोई चोर आया है अदली खां की नगरी में। चोर? अरे बेटा चोर, ओ मैं बॉर्डर हूँ, मैं बाहर ना जाऊं आज बाद। मैं आपको बताना भूल गया, जब जानी चोर बाग में आया था तो जानी चोर ने एक इश्तिहार एक कागज पे लिखा कि अदली खां पठान तेरा बाप जानी चोर नगरी में आ लिया है नार महक दे को छुटाने के लिए, और तेरे पे बचा जा तो तू बच लिए। उस चिट्ठी को उस बात को लिख करके अदली खां के महल के बाहर पोस्टर चिपका दिया था। अब अदली खां ने वो पोस्टर देखा, वह बात लिखी देखी, तो पूरे शहर में डूंडी पिट गई कि कौन है जानी चोर। जो माली था वो शहर में ये बात सुनकर घर पे आया, और घर पे मिला कौन? वो गोदू। अरे गोदू। हाँ चाचा। चाचा मोसा, कोई जानी चोर आया हुआ है। अच्छा। और भाई राजा का हुक्म है कि कोई भी अगर यार रिश्तेदार यारा पैरा दूर का कोई भी संबंधी आया हुआ हो तो उसको उसके घर भेज दो। अपने घर पे किसी भी रिश्तेदार को रखना गुनाह है। तू राजा ने झूठ मैं नू कह दिया, नू मन भेज दिया, मैं भीतर बड़े रहूंगा सार दिन, बाहर नहीं निकलूं। लेकिन नू बता, पक्की बात है? पक्की बात है, जानी चोर आ रहा है। हाँ। तो मैंने एक बात बताओ, उसने मतलब राजा ने कोई पकड़ने खातर आदमी नहीं छोड़े? राजा अभी विचार कर रहे जानी चोर को पकड़ने का। अच्छा। हाँ बात सुन ले। सुना। सुनार ने गारंटी ली के जानी चोर को मैं पकड़ूंगा। एक सजोहरी धम्मल